तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में गवर्नमेंट टैब में गूगल और ये सभी गूगल के अंदर जो आप यूट्यूब वगैरह ये सब आप चला पाएंगे। तो दोस्तों ये ट्रिक थोड़ी लंबी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि ये ट्रिक आपकी थोड़ी देर तक वर्क करेगी, थोड़े दिनों तक वर्क करेगी, क्योंकि इसके बाद सरकार इसको बंद कर देती है। तो आप जितना जल्दी उसके इस ट्रिक को इस्तेमाल कर लें, क्योंकि फिर अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर आप ये बंद नहीं होती। और आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट को बंद कर देना, जिससे कि आप अगर कोई नई अपडेट आए सरकार वो आपके नए हो और ये सब ट्रिक आपके चलते रहे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर दिक्स ऐप को ओपन कर लेना है, और दिक्स ऐप तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये वो वाली ट्रिक नहीं है जो आप पहले सोच रहे हैं, मैं आपको नई वाली ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर थ्री लाइन्स पर क्लिक कर देना है, और अब आपको माई ग्रुप पर क्लिक कर देना है। माई ग्रुप पर क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको रजिस्टर हेयर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर हेयर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर सिंपली साइड ऐप पर क्लिक कर देना है, और साइड ऐप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक्सप्लोर कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर कुछ ये थ्री डॉट्स वाला ये यहाँ पर रिमोट सा आपको दिख रहा होगा ऊपर में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अदर इंक्वायरीज पर आपको क्लिक कर देना है, और आपको स्कैन क्यूआर कोड पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर एक लिंक दिया जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर दीक्षा एस ओ एस पर क्लिक करना है, और आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर google.gr पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर वो का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और अब आपको यहाँ पर नीचे जाना है, और यहाँ पर ट्विच लिखा दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर नीचे चले जाना है बिल्कुल, और बिल्कुल नीचे जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको गिफ्ट कार्ड पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर लिंक पर क्लिक करते जाना है, और अब आपके सामने यहाँ पर अमेजोन ओपन हो चुका है। आप पर आपको थ्री लाइन्स दिख रही होगी साइड में, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यूअर अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अमेजोन असिस्टेंट का नीचे की तरफ में। तो यहाँ पर अब आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अमेजोन असिस्टेंट, इस पर आपको अमेजोन असिस्टेंट पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर इंस्टॉल फॉर गूगल क्रोम पर क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपको यहाँ पर नीचे चले जाना है, और गूगल क्रोम प्राइवेसी पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपको नीचे चले जाना है बिल्कुल, और नीचे चले जाने के बाद आपको गूगल पर क्लिक कर देना, और फाइनली आपका गूगल ओपन हो जाता है, और यहाँ पर आप जो भी सर्च मारेंगे वो आपको आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर सॉन्ग टाइप किया, और यहाँ पर सॉन्ग आ चुका है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर टैब की ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए यहाँ पर आप इंस्टाग्राम को भी चला पाएंगे। यहाँ पर कैसी लगी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको ऐसी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको दबा लेना, और बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि अगर मैं जो भी नई वीडियो भेजूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा, और आप उस वीडियो को देख पाएंगे जल्द से जल्द। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टाटा।